विशाल सर, एक स्टॉक है GRWR हाईटेक। GRW हाँ हाईटेक 600 एंड इसमें 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है। वो क्वांटिटी वाइज इसमें वॉल्यूम के बहुत इश्यूज रहेंगे, और चार्ट का पैटर्न भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है, ये अभी अभी लिस्ट हुआ है मेरे हिसाब से। मतलब मैं लिस्टिंग का बोल दिया तो आपने तुरंत लिस्टिंग वाला स्टॉक ढूंढ के निकाल लिया मेरे लिए, गुड। मैंने कुछ नहीं किया सर, दर्शक फेब्रुवरी का मैं इसका लिस्टिंग हुआ है, और जैसे मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई लिस्टिंग वाला स्टॉक आपको मिले, आईपीओ रिसेंट लिस्टिंग हुआ है, तो उसका फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फर्स्ट वीक में इसने जो रेंज बनाई है 840 से लेके 889 तक की रेंज बनाई है, और कंटिन्यूअसली ये रेंज के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर नीचे में कहीं डिलीवरी बेस्ड बाइंग बनता भी है तो वो 840 के आते आते दम तोड़ देगा। तो इसमें जो भी अपने को बड़ा बाइंग करना है वो 889 के, 890 के ऊपर ही इसमें कोई पोजिशनल बाय करना चाहिए। बिलो दैट दिस स्टॉक विल ऑलवेज रिमेन अंडर प्रेशर। ओके, जी। तो जो एक पहला वीक का रेंज है, जैसे मैंने आपको एक अनचार्टेड टेरिटरी का बताया हुआ है कि लास्ट 2 वीक का स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग रह सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो, वैसे ही आईपीओ में फर्स्ट वीक ऑफ लिस्टिंग के जो रेंज है वो रेंज के अगर ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो वो तेजी का रेंज होता है, और नीचे अगर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो वो मंदी का रेंज होता है। तो अभी हम लोग जो GRW हेल्थ हाईटेक पे देख रहे हैं, वो एक ही इशू है कि ये लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूअसली डीप हुआ है, और ये डीप के हम लोग आगे भी अगर जल्दी से बाउंस बैक इसमें आया नहीं तो फर्दर डीप हम लोग देख सकते हैं। रिविजिट ऑफ लोस 530, 583 सॉरी, ये वापिस पॉसिबल है। तो ये एक एक तरीके एक लेसन भी और साथ ही साथ व्यू भी। इसको अलग से लेसन को हम अलग से दोबारा से डिटेल में विशाल सर से समझेंगे कि नई आईपीओज नई लिस्टिंग्स में किस तरीके से स्टॉक्स को ट्रैक किया जाए और उस पर किस तरीके से व्यू बनाया जाए। ठीक है।